सुप्रीम कोर्ट ने वेश्या व्यवसाय को पेशा माना है। कोर्ट ने कहा है कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया है कि सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस बड़ी टिप्पणी के बाद एक बार फिर बहस शुरू हो चुकी है कि आखिर भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी तौर पर सही है या फिर नहीं। साथ ही सेक्स वर्कर्स को लेकर भी कई तरह के सवाल फिर लोगों के मन में उठने लगे हैं। तो आइए हम आपको इन तमाम सवालों का जवाब देते हैं और बताते हैं कि भारत में वेश्यावृत्ति को लेकर क्या स्थिति है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति के लिए कहना, होटलों में वेश्यावृत्ति करना, एक सेक्स वर्कर की व्यवस्था करके वेश्यावृत्ति में शामिल होना, एक ग्राहक के लिए यौन क्रिया की व्यवस्था करना। वहीं आपको बता दें कि कॉल गर्ल को अपने फोन नंबर सार्वजनिक करने की मनाही है। ऐसा करते पाए जाने पर उन्हें 6 महीने तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। और अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मान लेती है तो भारत में क्या बदलाव आएगा, वो भी हम आपको बताते हैं। यौन कर्मियों को समान कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। यदि कोई यौन कर्मी किसी आपराधिक, यौन या अन्य प्रकार के अपराध की रिपोर्ट करता है तो पुलिस इसे गंभीरता से लेगी और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। यदि किसी वैश्यालय पर छापा मारा जाता है तो इसमें शामिल यौन कर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। कोई भी यौन कर्मी जो यौन उत्पीड़न का शिकार है उसे तत्काल चिकित्सा देखभाल सहित जरूरी सेवाएं दी जाएंगी। पुलिस को सभी यौन कर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना होगा और मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। हमको सुप्रीम कोर्ट से आर्डर मिला है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और उसके लिए हमारा गंगा जमुना के लिए हम लोग खुशी मना रहे, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और क्या कहते, हमको जीने खाने ये लोगों देते नहीं, सब डंडा मार मार के भगाते। पुलिस वाले लोगों पब्लिक को बाजार में आने नहीं देता उस, और इसके लिए हमारा मैडम आ रही है, उसके लिए भी धन्यवाद करते। ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि वेश्या व्यवसाय भी एक पेशा है। वेश्या माता बहन अगर प्रौढ़ है, वयस्क है और खुद के स्वेच्छा से, खुद के इच्छा से, खुद के मर्जी से अगर वेश्या व्यवसाय को अपना पेशा बनाती है तो उसके निर्णय का भी स्वागत होना चाहिए, उसके निर्णय का भी सम्मान होना चाहिए। अगर अपने पापी पेट के लिए और अपने मासूम बच्चों के लिए अगर वेश्या माता बहने वेश्या व्यवसाय को अपना पेशा बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया है, इस निर्णय को सपोर्ट डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट ये भी अपने निर्णय में कहता है कि पुलिस विभाग ना हक इन महिलाओं को इसके आगे तकलीफ ना दे।
इन पर कोई भी किस्म की कानूनी कार्रवाई न की जाए। इन महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, ये महिला भी सम्मान और सुरक्षा के अधिकारी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अंकिता दुबे, BCN News नागपुर।